नेक्स्ट थियरी देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमें पोटेंशियल किसके लिए डिस्कस करना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब भाई एक चार्ज नहीं है, पहले तो हमने एक चार्ज के लिए बात की, फिर हमने दो चार्ज डाइपोल की बात की, अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं कि भाई जितने भी हो तो बता दो कि अगर चार्जेस बढ़ते गए तो होगा क्या। एक के लिए तो हमने बात की, एक के लिए बात की तो आ गया के क्यू बाय आर, डन। फिर डाइपोल के लिए भी बात की तो आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसलिए अभी लास्ट में हमने पढ़ा ना कि सिंगल चार्ज होता था तो वो के क्यू बाय आर था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, आर स्क्वायर आया है, डन। वो डिफरेंस था, ओके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक दो की बात नहीं है, भाई जितने भी हो उतने, लेकिन फाइनली करना क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा वो बताओ। मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, तुम दो तीन चार पांच जितने लेने हो ले सकते हो, ओके चलो। तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा वो हमें देखना है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यू वन टू क्यू टू क्यू एन, जितने लेने होते हैं, दस ले लो, पांच ले लो, जो लेने हो, विथ अ पोजिशन वेक्टर। सबके अपने अपने पोजिशन वेक्टर्स होंगे, ओके ठीक है चलो। नाउ रिलेटिव टू सम ओरिजिन, कोई ओरिजिन से उनके पोजिशन वेक्टर होंगे। द पोटेंशियल वी वन एट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू वन। देखो क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल वी वन, मतलब पहला चार्ज है तो वी वन बोलेंगे, दूसरा होगा तो वी टू, एक ही होगा तो वी बोलेंगे, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, वी वन वी टू वी थ्री, डन ओके। सो पहले चार्ज के लिए हमारा क्यू वन चार्ज, ये देखो ये रहा क्यू वन और ये क्या है आर वन पी, ये क्यू वन है, ये फिगर इनफ है तो फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये हमारा पॉइंट पी है, मतलब वही वो हमारा क्या है ओरिजिन, और वो क्या है तुम्हारा क्यू वन। तुम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो चार्ज को कहां तक, ये जो क्यू वन जहां पर है वहां तक, वो कहां पर है, वो है आर वन पी। पोजिशन वेक्टर गिवन है तुम्हें आर वन पी, मतलब तुम्हें पता है कि वो पॉइंट कहां पर है, डन। तो इनफाइनाइट से हम यहां में लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आया Q1 पर, डन। तो उसके लिए तो हमें पता है V1, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 is equals to KQ by, एक चार्ज की बात है, अगर एक चार्ज होता तो उसका फॉर्मूला क्या था, KQ by R था, डन ओके। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि KQ और यहां Q1 है तो Q1 by R, और यहाँ पे क्या होगा आर वन पी, डन पक्का समझ लेंगे, श्योर सिंपल। वेर आर वन पी इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन एंड पी। सिमिलरली द पोटेंशियल एट वी टू ड्यू टू द क्यू टू एंड वी थ्री, सबके लिए तो सबके लिए वही होगा सिंपल, एक एक चार्ज ला रहे हैं हम, एक एक तो एक चार्ज को लेके आ गए, जस्ट लाइक सिंगल चार्ज, जैसे पहले वन कूलम चार्ज को कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट से कोई भी पॉइंट पर लाने के लिए जो पोटेंशियल था एक ही पॉइंट पर, अभी एक एक पॉइंट की बात कर रहे थे, एक पॉइंट पर लाने के लिए क्या मिला हमें, तो भाई के क्यू भाई आर सिंपल, ओके चलो। सो वेयर आर टू पी आर थ्री, जितने भी हो उसके लिए लिख सकते हो, एंड सो ऑन। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल वी एट पी ड्यू टू द टोटल चार्ज कॉन्फिगरेशन इज द अलजेब्रिक सम। मतलब क्या कि अगर जितने पॉइंट हो, 10 हो तो 10 V1, मतलब V1 plus V2 plus V3, V10 तक कर लो, that will be equals to what? V, okay, that's it. तो ये कर लिया हमने, तो KQ divided by R1P, R2P, like that लिखते जाओ, simple है ये, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। If we have a continuous charge distribution characterized by, देखो ये actual में easy कर दिया है तुम लोगों के लिए, नहीं तो पहले के syllabus में जो था, that was different. क्या different था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो हम कब लिख सकते थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिशन में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, और यही एक्सटर्नल फोर्स मतलब लगाना पड़ता, वही बनता वर्क, और यही वर्क हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन पहले के सिलेबस में दो केस थे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी ही नहीं, मतलब तुम इनफाइनाइट से कोई चार्ज को कोई पॉइंट पी पर लेकर आओगे जहां पर ऑलरेडी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो तुम्हें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, बस लेके आ जाओ और रख दो,
तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा था ना कि वो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, क्यों यहाँ था तो 5 न्यूटन फोर्स ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरे 5 न्यूटन फोर्स मुझे भी 5.0001 न्यूटन फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ तो कोई ऑपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है। तो मतलब क्या? मतलब तो मैं जितना भी लगाऊं 0.0001 लगाऊं तो भी वो तो आगे बढ़ने ही वाला है। अंडरस्टूड? समझ में आया? वैसे केस थे। ओके, अभी इजी कर दिया। अभी इजी मतलब क्या? पहले भाई 10 पॉइंट हो गए तो एक पॉइंट पे लाए तो पता ही है तुम्हें कितना है, के क्यूब आर। दूसरे पे लाए के क्यूब आर, सबका सम कर दो, सिंपल है। ओके, तो व्हाटएवर, सिलेबस सिंपल हो गया है। लेकिन वैसे अब तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है तो तुम्हारा जेईई और नीट जो होगा वो भी वैसे ही होगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर अभी वैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन जैसे अभी तुमने शायद सुना होगा नीट के स्कैम के बारे में, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मीनिंग है कि ये करना चाहिए। जैसे कि टेंथ में भी नहीं बोलते थे, सर्कुलर आता था तो कि भाई ये चैप्टर का इतना वेटेज, ये चैप्टर का इतना। फिर भी कोई एक पेपर में तो गड़बड़ी कर ही देते थे कि भाई जितना पूछा है उतने मार्क्स का लिया ही नहीं। मतलब जैसे पहले बताया है कि ये चैप्टर का ज्यादा मार्क्स का आएगा, उसमें से कम का आया, जिसका कम बोला था उसका ज्यादा आ गया, वैसा हो जाता है। जानबूझ के नहीं होता ये सब, हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर तो बाहर निकाल दिया, अब जिनको पेपर सेट करने के लिए दिया है वो भाई को भी सर्कुलर पढ़ा हुआ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में से इतने ही मार्क्स का निकालना है। सोचो मुझे एक टेस्ट पेपर निकालना है तो कितना टाइम लगता है कि भाई इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन, इतने मार्क्स के ये क्वेश्चन, और इसको तो, और वापस 80 मार्क्स, और वो भी बोर्ड का पेपर। और बोर्ड का पेपर सेट कैसे होता है? कोई एक बंदे को नहीं बोल देते कि भाई अच्छा तुम पेपर सेट कर दो, नहीं ऐसे नहीं। मतलब पूरी पैनल होती है कि भाई तुम सेट करो, तुम सेट करो, तुम सेट करो। सब लोग अपना अपना पेपर सेट करते हैं। तो सपोज तीन लोगों को दिया तो एक ए बी सी, अब तीनों पेपर आएंगे इनके पास। अब ये पेपर ए का क्वेश्चन ए सेक्शन ए उठा लेंगे, पेपर बी का सेक्शन बी और सी उठा लेंगे, और पेपर सी में से डी और ई उठा लेंगे, और वैसे करके कंबाइन करेंगे। इसीलिए कोई भी पेपर सेटर जब पेपर देखेगा तो वो ऐसा नहीं बोल सकता ये मैंने बनाया है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। ओके, अदरवाइज क्या होता? वो तो वैसा उनके लिए तो मतलब ना ही बोला जाता है, और वैसे किसी को दिया भी नहीं जाता। लेकिन सोचो कि उनका ही कोई है ऐसा सब जिसने पेपर सेट किया हुआ है, उसी का बेटा उसी की बेटी बोर्ड में है इस समय, तो ये तो ईजी हो गया। वैसे तो इंक्वायरी होती है कि भाई तुम्हारा कोई है नहीं बोर्ड, ये बहुत इंक्वायरी होती है। लेकिन फिर अगर कोई चांस बाय चांस पता ना चला तो वो तो बता देंगे इतना इतना पढ़ लो, इतना इतना पढ़ लो। फिर भी 100% मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही पेपर किसी का एक्सेप्ट नहीं होता, कंबाइन किया जाता है फिर पेपर बनता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कॉलेज में ऐसे ही पेपर्स बनते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं हम। इफ वी हैव अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय द चार्ज डेंसिटी रो, वी डिवाइड इट एज बिफोर इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ ईच डेल्टा वी एंड कैरिंग अ चार्ज रो डेल्टा वी। तो चार्ज डेंसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया डेंसिटी एंड ऑल, तो वही चीज है। वी देन डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू ईच वॉल्यूम एलिमेंट एंड सम over all such contribution and thus determine the potential due to the entire distribution. मतलब भाई थोड़े थोड़े के लिए भी find करो और फिर sum कर दो, वही चीज है। We have seen in chapter 1 that हमारी theory तो यहीं पे खत्म हो गई है, लेकिन वहां से क्या क्या हमें पता चलता है वो सब अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, We have seen in chapter 1 that for uniformly charged spherical shell, the electric field outside the shell is as if the entire charge is concentrated at the center. देखा था लास्ट में ये था, क्या अगर स्फीयर हो, ओके, तो हम क्या कंसीडर करते थे कि सारा का सारा चार्ज कहां पर सेंटर्ड किया गया है? उसके सेंटर पर। और अगर सारा चार्ज सेंटर पे नहीं है और उसकी सरफेस पर या सरफेस के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जीरो हो जाती थी, याद है ना? ओके, तो वही चीज है।
हाँ, thus the potential is given by again potential outside the shell is given by k q by r. तो उसके जैसे ही, where q is the total charge on the shell and r is its radius. The electric field inside the shell is zero क्योंकि charge का अब इस केस में inside the shell zero हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी centered में नहीं, अभी कहाँ पर है? Surface पर है. Charge कहाँ पर है? अगर sphere है तो सारा चार्ज कहां पर है? सेंटर पर नहीं है, सरफेस पर है. और अगर सरफेस पर होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? जीरो. ये देखा था ना हमने लास्ट चैप्टर में, नया कुछ नहीं. यस, सो इनसाइड द शेल हो जाएगा जीरो. दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द सेल. ओके, कांस्टेंट है. ओके, जीरो ही है तो कांस्टेंट ही है, एंड देयरफॉर इक्वल्स इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस व्हिच इज के क्यू बाय कैपिटल आर. ओके, जो हमारा कैपिटल आर, क्योंकि अब तो सरफेस आ गई ना, ये स्मॉल आर कौन सा था? वो गॉसियन सरफेस हम लेते थे, उसकी रेडियस के भाई अंदर इतना ले लिया और सारा का सारा सेंटर पे है, तो ये आर था. ये सेंटर पे ही सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो वाला केस. फिर उसके बेस पे दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, याद आया ना. लेकिन अब चार्ज कहां पर है? बाहर. अरे बाहर है तो फिर जीरो ही हो जाएगा. और अगर कॉन्स्टेंट मतलब बाहर है तो अंदर की साइड तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में बाहर जीता है वो कितना है, तो उसके लिए आ जाएगा क्या? कैपिटल आर आ जाएगा. के क्यू बाई कैपिटल आर. सिंपल. कुछ भी मतलब ज्यादा कुछ था नहीं ये थियरी में. जैसा जितना डिटेल में हमने लास्ट थियरी पढ़ी उतना कुछ ज्यादा नहीं था, सिंपल था. ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो कि भाई 10 चार्ज होंगे, 10 चार्ज को लाना है 10 पॉइंट पर, ठीक है, एक एक करके लाओ, सबका सम कर दो, दैट्स इट. डन. और स्फेरिकल शेल होगा तो उसके अंदर बाहर क्या होगा? वो अगर अंदर होगा तो के क्यू बाई स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस वाला आर, और अगर बाहर होगा तो के क्यू बाई कैपिटल आर. और के क्यू बाई कैपिटल आर है तो उस टाइम पे अंदर पोटेंशियल कितना है? जीरो. ये तो बाहर के पोटेंशियल की बात है, के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर कितना हो जाएगा? जीरो. ये सब तो हमने देखा था. डन. श्योर.